Hey guys, this is Kuldeep and you watching UPSC Library. So, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेफ्रॉन की, बिकॉज अभी एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है सेफ्रॉन कल्टिवेशन का, और जिस सेफ्रॉन प्रोजेक्ट जो पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया वो सिक्किम में किया गया है. सो बेसिकली ये सेफ्रॉन तो इंडिया में एक ही जगह एरिया में ही रेस्ट्रिक्टेड है सेफ्रॉन की कल्टिवेशन, वो है J&K में. सो इस कल्टिवेशन को और बढ़ाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है सिक्किम में. सो ये कटआउट है न्यूज आर्टिकल का. सो इसमें लिखा हुआ है कि एक्सपेंड टू ग्रो सेफ्रॉन इन सिक्किम विद हेल्प फ्रॉम द J&K, मतलब J&K की हेल्प लेके, जहाँ पे जो फार्मर्स है उनकी हेल्प लेके सिक्किम में ये सेफ्रॉन की कल्टिवेशन की जा रही है. सो एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है विच इज रियली सक्सेसफुल यंग, और जो साउथ ये सिक्किम गया सिक्किम के साउथ सिक्किम में, और विलेज का नाम है यंग जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. सो विच प्रोड्यूस इट्स फर्स्ट क्रॉप सेफ्रॉन दिस सेप्टेम्बर. सो इस सेप्टेम्बर ही वो सेफ्रॉन की फर्स्ट क्रॉप को कल्टिवेट किया गया है. सो ये इसकी न्यूज, और ये न्यूज ऑलरेडी इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज अभी जुलाई के महीने में ही इंडिया ने सेफ्रॉन, जो कश्मीर का जो सेफ्रॉन है उसको GI टैग सर्टिफिकेट दे दिया है. सो मतलब जो कश्मीर की जो सेफ्रॉन जिसको हम केसर बोलते हैं उसको GI टैग मिल गया. सो अगर इंडिया में या बाहर भी कहीं से कश्मीरी सेफ्रॉन होगी वो सिर्फ इंडिया की होगी, कश्मीर से उसको GI टैग ऑलरेडी मिल चुका है. सो ये चीज़ याद रखना. सो इसी वजह से ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए. सो ये इस मैप को देखो, इस मैप में सिक्किम दे रखा है. सो ये पूरा सिक्किम है, और सिक्किम के वेस्ट में क्या है नेपाल. सो दिस इज नेपाल, और सिक्किम के ईस्ट में क्या है भूटान. सो दिस इज भूटान, दिस इज नेपाल, और सिक्किम के नॉर्थ में क्या है तिब्बत, ये जो कि चाइना का पार्ट है. देन दिस साउथ में है वेस्ट बंगाल. सो सिक्किम का जो साउथ वाला पार्ट है उसी में, उसी एरिया में ही साउथ सिक्किम में ही ये क्रॉप कल्टिवेशन स्टार्ट की गई है. सो इस चीज़ को आप याद रखना, और इस एरिया को याद रखें बिकॉज ये एरिया है इंडिया का एरिया बोलते हैं जिसको हम चिकन नेक बोलते हैं, बिकॉज ये एक काफ़ी नैरो कॉरिडोर, सिर्फ इतना ही एरिया है जहाँ से हम ट्रेवल करके जो इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है वहाँ पर जा सकते हैं. सो छोटे से एरिया को ही चिकन नेक बोलते हैं. और याद रखना नॉर्थ ईस्ट में 7+1 स्टेट होते हैं, मतलब 7 स्टेट और प्लस 1 मतलब सिक्किम. 7 तो इस नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गए, और प्लस 1 हो गया सिक्किम वाला स्टेट. सो 7+1 नॉर्थ ईस्ट स्टेट, इनको याद रखना. सो इसमें न्यूज़ थी, हमने पढ़ लिया कि पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया सेफ्रॉन केसर की कल्टीवेशन के लिए, जो कि काफ़ी सक्सेसफुल हुआ यंग विलेज ऑफ सिक्किम, सिक्किम के यंग विलेज में, विच प्रोड्यूस इट्स फर्स्ट क्रॉप ऑफ सेफ्रॉन रिसेंटली. सो इसकी जो फर्स्ट क्रॉप इस भी रिसेंटली क्रॉप की गई है. सो इसमें बताया गया कि वंस द क्वालिटी ऑफ द सेफ्रॉन इज असेस्ड, मतलब जो क्वालिटी ऑफ सेफ्रॉन है उसको चेक कर लिया गया, तो दिस विल बी स्केल्ड अप टू 10 times इन द सिक्किम इटसेल्फ. सो अगर ये पायलट प्रोजेक्ट अगर ठीक रहेगा और उसकी जो क्वालिटी होती है वो अगर ठीक रही, तो जो पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है तो उसका 10 times को हम और कर देंगे. ये उनका बोलना है डॉक्टर अरुण के शर्मा, जो कि डायरेक्टर जनरल है नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टीचिंग एप्लीकेशन रीस, जिसको NECTAR बोलते हैं. उनका ये बोलना है कि अगर ये पायलट प्रोजेक्ट ठीक से सक्सेसफुल रहा तो हम इस प्रोजेक्ट का 10 गुने पर ही इसको और उपयोग में लाएंगे और ज़्यादा इसका एग्जीक्यूशन करेंगे. सो ये चीज़ आप याद रखना. देन इसके बाद सेफ्रॉन क्या होता है, सो इतने बार पढ़ लिया तो सेफ्रॉन आखिर क्या. सो सेफ्रॉन कल्टीवेशन बिलीव टू बी हैव बीन इंट्रोड्यूस, मतलब इंडिया में सेफ्रॉन कल्टीवेशन स्टार्ट हुई थी ये बिलीव है कि 1st century में इसको लाया गया था. कहाँ से लाया था, सेंट्रल एशियन इमिग्रेंट जो आए थे इंडिया में भारत में वो 1st century के आसपास में, तो वो लोग सेफ्रॉन की कल्टीवेशन जो सीड्स हैं वो ला के लेके आए थे, और फिर उसको वहाँ से फिर सेफ्रॉन अपने इंडिया में लाएगा. देन सेफ्रॉन इज ए प्लांट विच हुज ड्राई स्टिग्मस, मतलब स्टिग्मा मतलब एक प्लांट का फ्लावर का एक पार्ट होता है जो थ्रेड टाइप पार्ट होता है, लाइक अ पार्ट ऑफ द फ्लावर, मतलब फ्लावर का एक पार्ट होता है जिसको थ्रेड होता है, रेशम से बोलते हैं इस पिक में देखिए. सो इस मतलब ये जो थ्रेड है ना इसको ही बोलते हैं सेफ्रॉन. सो एक पूरा फ्लावर है, सो फ्लावर के ये थ्रेड निकले हुए हैं इसको ही बोलते हैं, ये पूरा केसर इसमें कन्वर्ट हो जाता है. ऐसे ही काफ़ी सारे थ्रेड को इकट्ठा कर लेते हैं, टोटल को बना के फिर करते हैं. सो इस चीज़ को याद रखना. सो इसी में ही सेफ्रॉन, जो सेफ्रॉन इसको थ्रेड लाइक पार्ट होता है फ्लावर, आर यूज टू मेक सेफ्रॉन, उसी को सेफ्रॉन बनाने में इसको भी याद करें सेफ्रॉन, जो कि एक स्पाइस है. सो द कल्टीवेशन ऑफ सेफ्रॉन द मोस्ट एक्सपेंसिव स्पाइस, मतलब काफ़ी सबसे महंगा स्पाइसेस है इन इंडिया में, हैज़ बीन लिमिटेड टू ए फ्यू एरिया, मतलब काफ़ी कम एरिया में ही लिमिटेड है इसकी कल्टीवेशन, लाइक जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर काफ़ी कम एरिया में इसकी लिमिटेड है.
सो अब वो एरिया कौन कौन से, एक तो पंपो रीजन हो गया जिसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, सैफ्रन बोल ऑफ कश्मीर, मतलब कश्मीर का सैफ्रन बोल, मतलब एक बाउल हो गया, बाय बाउल, बाउल कैसा हो गया एक सा ये पूरा, सो सैफ्रन बोल ऑफ कश्मीर इसको बोलते हैं पंपो रीजन को। इट इज बिकॉज इट्स मेन कंट्रीब्यूटर टू सैफ्रन प्रोडक्शन, जो इंडिया की जो सैफ्रन प्रोडक्शन ना वो इसका मेन रोल है, मेन की रोल है, इसी वजह से इसको पंपो रीजन को सैफ्रन बाउल ऑफ कश्मीर बोलते हैं। देन इसके बाद अदर डिस्ट्रिक्ट हैं, इसके अलावा बडगांव हो गया, देन श्रीनगर हो गया, देन किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये रीजन भी सैफ्रन के कल्टीवेशन यूज किया जाता है, बट इतने बड़े लेवल पे नहीं किया जितने पंपो रीजन वाला किया था। सो और ये बता दें कि रिसेंटली इसको कश्मीर सैफ्रन को जियोग्राफी का इंडिकेशन जिसको हम GI बोलते हैं वो मिला था, सो GI टैग मिला था, सो इस चीज़ को याद रखना। देन इसके बाद देर आर 3 टाइप ऑफ सैफ्रन अवेलेबल इन कश्मीर, इसमें 3 टाइप की सैफ्रन होती हैं जो अवेलेबल, लाइक इसमें पहली है लच्छा सैफ्रन, सेकेंड वन इज मैगरों मोगरा सैफ्रन, थर्ड इज गुच्छी सैफ्रन। सो इन तीनों के याद रखना, पूछी जा सकती है कि पहली लच्छा, दूसरी मोगरा, थर्ड इज गुच्छी सैफ्रन। सो इट रिजुविनेट हेल्थ, और इसको किस में यूज करते हैं, लाइक इसमें कॉस्मेटिक में यूज करते हैं, हेल्थ इश्यूज में करते हैं, हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है, सो इसको हेल्थ के बेसिस पर भी, हेल्थ के पर्पज पर इसको यूज किया जाता है। देन कुछ कॉस्मेटिक्स में भी इस केसर का, मतलब इस सैफ्रन का यूज किया जाता है, और फॉर मेडिसिनल पर्पज के लिए। एंड इसके बाद इन इंडिया सैफ्रन कॉम्स जो सीड्स होते हैं आर कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई, मतलब सो इसकी जो कल्टिवेटिंग की जाती है वो स्टार्ट कब जाती है, इनके जो सैफ्रन के केसर के बीज को कल्टिवेट कब जाती है, जून और जुलाई के स्टार्टिंग मंथ में तब की जाती है, और एट द सेम प्लेस अगस्त और सेप्टेम्बर में, हमें कभी कभी जून जुलाई में कर देते हैं और या अगस्त और सेप्टेम्बर करते हैं। देन इट स्टार्ट फ्लावरिंग अक्टूबर, और अक्टूबर के मंथ में ये फ्लावरिंग, मतलब उगने स्टार्ट होने लगते हैं इसके फ्लावर, सो ये याद रखना, ये पूछे जा सकते हैं। देन आखिर में प्रॉब्लम कहाँ आती है, इसमें मेन प्रॉब्लम है कि सैफ्रन ग्रो एक पर्टिकुलर एक लिमिटेड एरिया में ही इसको ग्रो कर सकते हैं, लाइक जहाँ का एल्टीट्यूड कितना हो 2000 मीटर अबव, मतलब सी लेवल से 2000 मीटर लगभग 2 किलोमीटर से ऊपर सी लेवल से इतना हो, सो एक वे मेन चीज होगी। देन इट नीड अ फोटो पीरियड सनलाइट, मतलब 12 आवर्स की सनलाइट मिले, सो इसकी जो कंडीशन होगी पहली क्या होगी, मतलब इसमें लिखा है कि पहली है कि अक्टूबर वाले मंथ में कीना, देन सेकेंड इज वो दो, मतलब सी लेवल से 2 किलोमीटर ज़्यादा हो, मतलब 2 किलोमीटर ऊपर अबव हो, देन थर्ड इज 12 किलोमीटर। सो ऐसी सारी जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है, जो तो प्लेसेज है इंडिया में वो काफ़ी कम है, सो ऐसे सिर्फ GNK वाले में और थोड़ा नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट में हो गए। सो इसी चीज़ को लेके ये जो पायलट प्रोजेक्ट चला गया वो इस सिक्किम में इसी वजह से चला गया, बिकॉज राजस्थान में कर नहीं सकते, गुजरात में नहीं कह सकते, वहाँ इतना ठंड नहीं है और वो एल्टीट्यूड पर इतना भी नहीं है, सो ऐसी चीज़ को एल्टीट्यूड प्लस ठंड पर जो सनलाइट है उस चीज़ को देखते हुए सिक्किम काफ़ी बेस्ट प्लेस था, सो इसी चीज़ को देखते हैं। देन इसके बाद जो टेम्परेचर है, रेंजिंग टेम्परेचर होना चाहिए 35-40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए समर में, और जो विंटर में -15 से -20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए विंटर में, और ह्यूमस जो रिच होने चाहिए और वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए, और इसका pH लेवल जो काफ़ी मेन माना जाता है, pH लेवल सॉइल का माना जाता है 6-7-8, मतलब 6-8 तक pH लेवल होना चाहिए सॉइल का, तभी ये सैफ्रन ग्रो करेगा उस सॉइल में। सो ये सारी कंडीशन फॉलो करनी चाहिए उस एरिया की सॉइल के लिए, तभी ये सैफ्रन ग्रो होगी। सो इसी चीज़ को देखते हुए सिक्किम में जो सॉइल थी उसका पूरा टेस्ट हो गया, सो जो सॉइल है सिक्किम की वो JNK की कश्मीर की सॉइल से काफ़ी सिमिलर थी, इसी वजह से पायलट प्रोजेक्ट वहाँ स्टार्ट गया। सो अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाता है तो उस पायलट प्रोजेक्ट के 10 गुना से ऊपर इसको ऐसे प्रोजेक्ट चलाए जाएंगे, 10 गुना बड़े को ऐसे प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन किए जाएंगे। देन इट ऑल्सो रिक्वायर एडिक्वेट, मतलब इट ऑल्सो रिक्वायर एडिक्वेट रेनफॉल डेट इज 1000-1500 mm पर एनम, ये इतनी रिक्वायर है रेनफॉल। सो इसकी जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है, सो सैफ्रन कल्टिवेशन हैज़ लॉन्ग एक्सटेंडेड टू ए लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया इन JNK, मतलब JNK के काफ़ी कम एरिया में इसको कल्टिवेट किया जाता है, लाइक मैम पंपो जी मैंने बताया था, देन बदमा श्रीगंज किश्तवाड़, तब मिनिस्ट्री ऑफ आगे है कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसको मैथी बोलते हैं, और उसका जो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST इज नाउ लुकिंग एट एक्सटेंडिंग इट्स कल्टिवेशन टू सम स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट के सम स्टेट में, नॉर्मल नॉर्थ ईस्ट कुछ स्टेट्स में डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने सोचा है कि वो कल्टीवेशन जो है सैफ्रन की वो और एक्सटेंड करना चाहती है
जेएनके के अलावा। सो इसी चीज को देखते हुए पायलट प्रोजेक्ट चला गया। सो बिकॉज इसमें एक मॉन प्रॉब्लम आ रही है इंडिया में कि जो इंडिया की जो कल्टीवेशन है वो है 6 से 7 टन ऑफ सैफ्रॉन। मतलब सैफ्रॉन इंडिया कितना कल्टीवेट कर रहा है, हमने कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 6 से 7 टन जो एनुअल ईयर है। बट और इंडिया की जरूरत कितनी है, 100 टन की डिमांड है इंडिया की। सो इस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा पूरा इंडिया। सो इसी चीज को देखते हुए इंडिया काफी सारी जो रिमेनिंग जो डिमांड है वो उसके लिए काफ़ी सारी डिमांड है, फिर उसको फिर इम्पोर्ट करता है सैफ्रॉन को। सो इम्पोर्ट, सो इस चीज़ की वजह से इंडिया का जो इम्पोर्ट बिल है वो काफ़ी ज़्यादा आता है। सो इस चीज़ को और गैप, उस चीज़ को गैप भरने के लिए ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। ऐसे इसी ये जो प्रोजेक्ट है सिक्किम वाला वो इसी का एक पार्ट है। सो अगर नहीं मिलता तो सैफ्रॉन को इम्पोर्ट करना पड़ता है। एक बिकॉज इसकी मेन चीज़ है कि 1 किलो सैफ्रॉन जो है उसकी प्राइस क्या है कि 1.5 से 2 लाख, मतलब 1 किलो अगर आप लोगे सैफ्रॉन तो उसकी प्राइस हो जाएगा 2 लाख तक, मतलब ये काफ़ी महंगा। देन इसके बाद में इसका बेनिफिट क्या होंगे, सो अगर ये चीज़ स्टार्ट होगी, सो द एक्सटेंशन ऑफ सैफ्रॉन प्रोडक्शन विल हेल्प इन मीटिंग द एनुअल डिमांड इंडिया। सो इंडिया की जो एनुअल डिमांड है जो बैच में जो 100 टन तक चाहिए उसकी जो डिमांड है उसको मीट करेगा। देन इट विल हेल्प इन रिड्यूसिंग इम्पोर्ट बिल, जो इम्पोर्ट बिल आ रहा है इस चीज़ की वजह से उसको रिड्यूस करेगा इंडिया। अगर ये खुद ही अपना सैफ्रॉन हम कल्टिवेट करने लगते हैं अलग एरिया में, लाइक सिक्किम में तो हमने कर दिया, फिर बाद में हम नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में जाने लगे तो नॉर्थ ईस्ट एरिया में करेंगे, तो इससे वजह से हमारा जो प्रोडक्शन है सैफ्रॉन का वो और ज़्यादा इंक्रीज होगा। सो अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो उसके से हमारे जो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो इससे हमारा इम्पोर्ट बिल कम होगा। अगर हम और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे इट ऑल्सो इनक्रीज एक्सपोर्ट। अगर ज़्यादा होने लगे तो हम उसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। ऑल्सो इनक्रीज एक्सपोर्ट इफ ऑल थिंग सक्सेस, काफ़ी सारी अगर सारी चीज़ें ठीक रही तो। ये एक इमेज है जिसमें टॉप एक्सपोर्टर है टॉप इम्पोर्टर है सैफ्रॉन के। एक्सपोर्टर में देखते हैं तो पहले नंबर पर है ईरान। ईरान फर्स्ट नंबर पर आता है एंड सेकंड नंबर पर है स्पेन और इंडिया है, मतलब थर्ड नंबर इस अफगानिस्तान, देन फोर्थ नंबर पर इंडिया। याद रखना इंडिया फोर्थ नंबर पर है। और कितना एक्सपोर्ट वैल्यू हम करते हैं 9.48 मिलियन, मतलब 9 मिलियन डॉलर के करीब हम एक्सपोर्ट करते हैं केस सैफ्रॉन, जो कि पूरे वर्ल्ड का 3.4% है। ये एक दो साल पुरानी इमेज है तो इसको डेटा को थोड़ा याद रखना। देन जो हम इंपोर्ट करते हैं सैफ्रॉन हम सेकंड नंबर पर इंपोर्ट करते हैं और पहले नंबर कौन है, हांगकांग। हांगकांग 100 मिलियन डॉलर तक का सैफ्रॉन इंपोर्ट करता है और हम 31 मिलियन डॉलर तक का सैफ्रॉन इम्पोर्ट करते हैं। इस चीज़ को याद रखना। देन इसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने सैफ्रॉन की कल्टीवेशन को और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए या जो सैफ्रॉन कल्टीवेशन जो ऑब्स्टेकल जो आ रहे थे उस चीज़ को टैकल करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें चलाई गई थी। उनमें से एक मेन है कि नेशनल सैफ्रॉन मिशन। जो नेशनल सैफ्रॉन मिशन है वो किस लिए चलाया गया, तो लो प्रोडक्टिविटी ऑफ सैफ्रॉन, जो कि लो प्रोडक्टिविटी हो रही थी, लाइक 1.8 kg सैफ्रॉन आ रहा था प्रति हेक्टेयर में, मतलब 1 हेक्टेयर में सिर्फ 1.88 kg ही आ पा रहा था। देन चेंज इन वेदर पैटर्न जो चेंज हो रहा था ओवर द ईयर्स उस चीज़ को देखते हैं। ऑल्सो द ओल्ड ट्रेडिशनली मेथड, मतलब ओल्ड जो ट्रेडिशनल मेथड हम यूज़ कर रहे थे सैफ्रॉन की कल्टिवेशन के लिए वो भी एक मेन चीज़ थी। आर द मेन रीज़न फॉर दिस मिशन, मिशन का मेन रीज़न था। देन इसके बाद जो इनिशिएटिव फॉर द इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमिक रिवाइवल ऑफ जेएनके सैफ्रॉन, मतलब जेएनके सैफ्रॉन के लिए जो इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए इस मिशन को लाया गया जिसका नाम नेशनल मिशन ऑफ सैफ्रॉन बोला गया, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया 2010 और 2011 के बीच में। इस चीज़ को याद रखना। देन इसके बाद में इसके जो ऑब्जेक्टिव क्या थे, इसके ऑब्जेक्टिव की रिजुविनेशन एंड रिप्लांटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सैफ्रॉन, मतलब एग्जिस्टिंग सैफ्रॉन को और रिप्लांट करना, रिजुविनेशन करना फॉर इंप्रूविंग प्रोडक्ट में, इसकी चीज से क्या होगा प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा इंप्रूव होगी, इंक्रीज होगी एक्सपोर्ट हमारे, मतलब इंपोर्ट जो बिल आता है उसको और कम किया। देन इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उसको इंक्रीज करना पड़ेगा ढंग से, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग उसको थोड़ा इंप्रूव करना पड़ेगा और बाकी का रिमेनिंग हमें डेवलप करना पड़ेगा। देन क्वालिटी टेस्टिंग को और जो और इम्प्रूव करने की जो मार्केटिंग है वो सारा और इंक्रीज करना पड़ेगा। देन इसके बाद ऑल्सो इम्प्रूविंग सॉइल हेल्थ, मतलब सॉइल हेल्थ जो है उस पर थोड़ा ध्यान देना, बिकॉज अगर सॉइल का जो पीएच है वो 6 से 8 के बीच में नहीं रहा तो जो सैफ्रॉन की कल्टीवेशन खराब हो जाएगी। वो भी देखना पड़ेगा सॉइल हेल्थ के बारे में। देन स्ट्रेंथनिंग द इरीगेशन सिस्टम, इरीगेशन सिस्टम पर भी वर्क करना पड़ेगा। बट अगर उस एरिया में अगर रेन ठीक से नहीं हुई तो पानी की कमी की वजह से भी देखना पड़ेगा। इस वजह से इरीगेशन सिस्टम भी देखना पड़ेगा। देन इसके बाद मैकेनाइजेशन हो गया, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वेदर स्टेशन भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे।
देन इसके बाद मार्केट इंटरवेंशन थ्रू ई ट्रेडिंग, मतलब ई ट्रेडिंग पर हमें वर्क करना पड़ेगा। लाइक मार्केट इंटरवेंशन मतलब हमें मार्केट इंटरवेंशन में जाना, अपने जीआई जो जीए मिला है जिसको कश्मीर सैफरन को मार्केट में उसको प्रमोट करना। देन इसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन, मतलब इलेक्ट्रिक ऑप्शन को भी और देखना है। सो इसी चीज को देखते ये सारी की जाए। सो अगर जो पायलट अपना जो पायलट प्रोजेक्ट वो सक्सेस हो गया, सो इस पायलट प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले सिक्किम के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जब ये पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, सो सिक्किम के जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो बॉटनी और हॉर्टिकल्चर के जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने सबसे पहले सिक्किम की जो सॉयल है ना उसकी पहले वैल्यू टेस्ट की। टेस्ट करने के बाद वहाँ की सॉइल सिमिलर थी कश्मीर के सैफरन की, कश्मीर की सॉइल की वजह से। सो इसी चीज़ वजह से इसी रीजन की वजह से ये पायलट प्रोजेक्ट सिक्किम में चला था। सो ऐसे काफ़ी सारे पायलट प्रोजेक्ट ये एक मेन था। सो इस वीडियो में ये काफ़ी सारी बात बार बार एक वर्ड आ रहा है कि पायलट प्रोजेक्ट। सो आखिर ये पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? सो पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? इट इज़ एन इनिशियल स्मॉल स्केल इम्प्लीमेंटेशन, मतलब स्मॉल स्केल इम्प्लीमेंटेशन मतलब एक छोटे स्तर पर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है ताकि डेट इज़ यूज टू प्रूव दैट वायबिलिटी, मतलब अगर वो प्रोजेक्ट अगर उस एरिया में ठीक से अगर ठीक मतलब इम्प्लीमेंटेशन ठीक रहा या उसके जो रिजल्ट पॉजिटिव आए तो उस जो प्रोजेक्ट है उसको हम बड़े स्तर पर कर सकें। सो इसी चीज़ को उस प्रोजेक्ट को बोला जाता है पायलट प्रोजेक्ट, मतलब छोटा प्रोजेक्ट। सो इस चीज़ को याद रखना, ये मतलब है पायलट प्रोजेक्ट का। सो अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाता है तो सैफरन कल्टिवेशन जो को हम एक्सटेंड कर सकते हैं लाइक मेघालय हो गया या अरुणाचल प्रदेश हो गया, बिकॉज वहाँ का जो वेदर कंडीशन है या वहाँ की जो सॉइल कंडीशन है वो काफ़ी सिमिलर है जेएनके की सॉइल की वजह से और जो वेदर है उनकी वजह से। सो इस चीज़ को याद रखना है। आयरन और प्रोडक्शन में ये बताया था कि उस इमेज में कि ईरान काफी नंबर वन था इन सब चीज़ों पर। देन इसके बाद सो ऐसे काफ़ी सारे चीज़ें इसमें लगेंगी। सो ऐसे मिशन जो सैफरन प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं और इंडिया में और इसका जो एक्सटेंशन चल रहा है सैफरन प्रोडक्शन का, लाइक नॉर्थ ईस्ट में अभी सिक्किम में पहुँचे हैं, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पहुँचेंगे। सो नॉर्थ ईस्ट पहुँचने का इट विल हेल्प, जो इन सब स्टेट के इन सब प्रोजेक्ट की वजह से इट विल हेल्प टू डाइवर्सिफाई द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया, मतलब किसी एक क्रॉप पर हम फिक्स नहीं रहेंगे कि हमें सिर्फ यही क्रॉप ग्रो करनी है। सो इससे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में डाइवर्सिफाई होगा। सो ऑल्सो इट एनफोर्स द आत्मनिर्भर भारत अभियान इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपने यूपीएससी लाइब्रेरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द यूपीएससी लाइब्रेरी एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द मोर अपडेट्स। धन्यवाद।